वॉज टू एक्साइटेड टू हियर दिस सॉन्ग और मैं सोच रहा था कि मैं इसको किस तरह करूँ, क्योंकि जनरली गाना तो क्लब में हुआ है, तो अभी क्लब में हुआ है तो मेरे को जाहिर सी बात है मुझे क्लब में नहीं करना था। तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर क्लब में करूँगा तो फिर वो एक ऐसे रेगुलर गाना बन जाएगा कि हाँ सात समुंदर है तो क्लब में करूँ। तो मुझे उसको कुछ यू नो नया चीज़ देनी थी, बहुत सारी चीज़। तो मैं था कि आग और पानी ये सब सारे के सारे एलिमेंट उसको मिश्रण करूँ मैं उसके अंदर, और प्लस हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, मैडम की भी डेट्स कम थी, कुछ भी भाई साहब की भी डेट्स कम थी मैं तो फ्री था तो हम लोग सब ने एक सोचा कि एक दिन हम पूरा उसको यू नो सुबह से लगे हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर है इसमें, इसमें पानी है, अभी पानी का बाकी है इन लोगों का, इन लोगों को मैंने बोला सर्दी की दवा का पैकेट लेके आ जाना तो वो सारी चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ म्यूज़िक जो है इसकी, वो बहुत इतनी अच्छी अलग तरीके से बनाई है इसको, और यू नो बहुत एनर्जेटिक है, नयापन है म्यूज़िक में कुछ नया है। और बहुत सारा उसका वो क्या बोलते हैं नया ग्रूवी है, ग्रूवी पूरा नया है। तो आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और उम्मीद है कि जो हमने इसको पूरा का पूरा प्लान किया है सबको पसंद आए। तो आई होप एवरीबडी विल लाइक इट। मियां आप एक हल्की सी लिपस्टिक भी लगा के डाल देती हैं, बवाल हो जाए। दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली अ डिफरेंट थिंग, हर प्रोग्राम जो करते हैं द वे योर फैंस रिस्पॉन्स, यू नो देयर रिस्पॉन्स नॉर्मली इज वेरी पॉजिटिव। ये गाना करने के पीछे क्या वजह थी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? डू यू थिंक एज एन इंडिविजुअल एज एन एक्ट्रेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप एनी डे? यार मतलब ये जब सॉन्ग मेरे पास आया था, एंड थैंक्स टू देम आई रियली वांट टू थैंक मदर सर यावर फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस थिंग। परफॉर्मिंग ऑन एन आइकॉनिक सॉन्ग इन इट सेल्फ, सात समुंदर पार, उस लाइक मुदस्सर सेड इट्स एन आइकॉनिक वन, यू नो, एंड यू कैन नॉट अंडर परफॉर्म, यू कैन नॉट बी अ मीडियोकर इन दिस सॉन्ग। एंड आई एम सो इलेटेड टू बी हियर, आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू बी परफॉर्मिंग ऑन दिस सॉन्ग, बिकॉज इट्स ए आई मीन आई एम जस्ट थ्रिल्ड, एंड इट्स सो मच फन, यू नो उसका हुक स्टेप और उसका एवरीथिंग इज जस्ट वेरी वेरी कैची, एंड व्हेन इट रिलीजेस आई एम श्योर इट्स गोना जस्ट क्रिएट सम रिपल्स। या देयर इज अ स्मॉल स्टोरी आल्सो, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगी बात। स्टोरी काफी अच्छी है इसकी, एक छोटी सी स्टोरी भी डाली है हमने। ये एक्सपीरियंस वर्किंग विद यावर, यावर मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज़ बहुत बहुत कम टाइम हमने, दो दिन रिहर्सल भी है उसमें, दो दिन भी है, बट वी हैव नॉट गॉटन टू नो ईच अदर, बट एज़ फार एज़ आई नो हिम ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय, एंड ही इज वेरी आई वुड से desperate to pick up things, you know, in a good way, you know, he wants to learn and he wants to perform very well, and I've seen him on camera, he's doing well, so I good luck for this one, yeah. Thank you so much. So yeah. Mia, there'll be a comparison with late Divya Bhart. Okay. क्योंकि उन पे पिक्चराइज हुआ था गाना, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब इट्स एन ऑनर अगेन, यू नो 90s के जितने भी सॉन्ग्स थे और आज के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो कभी हम मैच नहीं कर पाएंगे, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो व्हाट डू यू कॉल दैट लॉन्जिविटी है। सी वी कैन से हमने कोशिश करी है, अब बाद में उनकी पब्लिक के हवाले है कि किस तरह हमने मेहनत करी है, कोशिश करी है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस एनीबॉडी, शी वाज, और वो गाना कितना क्यूट परफॉर्म किया है, इट्स एंड दिस वन इज मोर ऑफ यू नो डांसिंग एंड यू नो बीइंग मोर सेंसुअल अबाउट इंटेंस एंड सो मच ऑफ dancing, वो song बहुत अलग था, ये song बहुत अलग है, and I'm glad I'm doing it. It's a music video, that was a film song. Film song. आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा first of all ये है कि मुदस्सर भाई जब इस गाने को कर रहे हैं तो मतलब मेरा second song है इनके साथ में, मुदस्सर भाई के साथ में, और first song हमने दुबई में किया है जो आने वाला है post production पे, और ये जो song है इसके बारे में मैं बस इतना ही बताऊँ, कम time के अंदर मुदस्सर भाई इतना अच्छा करके दिखा रहे हैं, और निया तो वेरी गुड, निया सब पूरी दुनिया जानती है निया को, तो और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और लगी भी इसके अंदर अच्छी है, बहुत ज़्यादा बहुत काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, गुड लुकिंग माशाल्लाह। कितने आप खुद एक मॉडल हैं, मॉडलिंग की दुनिया से इस तरफ रुख किया है, जब निया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव मोड पर पूछना चाहूँगी, जब निया या मैं मुदस्सर की बात करता हूँ, और आप जब आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं, कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, कितना फ़ायदेमंद रहता है? एक्चुअली क्या है कि ना रैंप मॉडल से भी जब यहाँ डेब्यू करना, तो एक मॉडल के लिए जो रैंप पे जब चलता है एक मॉडल, तो उसको बहुत कम टाइम मिलता है, और इस पे जब म्यूज़िक वीडियो में हम परफॉर्म करते हैं तो एक एक्टर को काफ़ी टाइम मिलता है करने के लिए, और बस आप जब गाना आएगा तब देखिए। निया के साथ करने का काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑसम, सुपर, मतलब जो कहते हैं इनकी तारीफ में जितने वर्ड्स किए हैं उतने कम है, डिक्शनरी में और अभी पेज भरने हैं, अभी तो और पेज भरने हैं। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Good question. Thank you.